आगरा में पुलिस और वांछित लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान वांछित अभियुक्त के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ में पकड़े गए अभियुक्त पर आगरा मथुरा में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सिद्धार्थनगर में एक युवक की मारपीट के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने शव को पुल पर रखकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान परिजनों का कहना है कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। भारी संख्या में परिजनों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। कन्नौज में पार्क की जमीन पर 6 लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिस पर लेखपाल की पैमाइश के बाद नायब सिंह तहसीलदार की अगुवाई में पुलिस प्रशासन ने नगरपालिका के साथ मिलकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। बलरामपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही से हाईटेंशन लाइन पर काम कर रहे लाइनमैन की जान चली गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ग्रामीणों में विद्युत विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। सिद्धार्थनगर में एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, जिसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आज मिर्जापुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत सिंह का दौरा है। बता दें, मोहन भागवत दीवारा हंस बाबा आश्रम पहुंचेंगे। आश्रम में बने मंदिर में 50,000 किलो लड्डू का भोग चढ़ाएंगे, साथ ही हवन पूजन भी करेंगे। इसके बाद रात्रि विश्राम करेंगे और 2 जुलाई को वाराणसी के लिए रवाना होंगे। श्रावस्ती में राजस्व संबंधी विवाद के निपटारे के लिए डीएम ने बड़ा फेरबदल किया है। जिलाधिकारी ने निर्देशानुसार 2 दर्जन से ज्यादा लेखपालों का ट्रांसफर किया गया, जिसमें तहसीलदार इकौना से जमुना, भिनगा से इकौना, जनों में लेखपालों के ट्रांसफर किए गए हैं। महाराजगंज के टूटीबाड़ा कोतवाली क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिलों में जोरदार भिड़त हो गई। हादसे में पुलिसकर्मी सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए CHC अस्पताल भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक मासूम की सांप के काटने से मौत हो गई, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इस दौरान जिला अस्पताल ले जाते समय मासूम की मौत हो गई। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस दौरान मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। बता दें, बदमाश किशन सरोज के खिलाफ शिवपुर थाना क्षेत्र में चैन स्नेचिंग की घटना दर्ज है। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।